मौके पर ही किसी को मदद मिल जाए इससे बड़ा पुण्य काम नहीं होता है। ये सहायता देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में सोलन की संस्था माँ शूलनी प्रसादम सेवा समिति ने कड़क कदम बढ़ाया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आए रोगी और उनके साथ आए तामीरदारों को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्हें निशुल्क भोजन व्यवस्था और ठंड से कांपते लोगों के लिए बिस्तर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें संस्था के सदस्य बिना किसी लालच के दिन रात रोगियों और तामीरदारों की सहायता में जुटेंगे। जो भी इस अनूठी पहल के बारे में सुनता है वे इस पहल में शामिल होने का अभिलाषी हो जाता है। संस्था उन लोगों को सम्मानित करने जा रही है जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। सोलन के अस्पताल में रोगियों के साथ असीम पीड़ा वेदना और दर्द झेल रहे तामीरदारों का कुछ दुख कम करने के लिए माँ शूलनी प्रसादम सेवा समिति ने आज से 225 दिन पहले ये अनूठी पहल शुरू की थी, जिसमें उन्होंने अस्पताल में भर्ती रोगियों के साथ आए तामीरदारों के लिए निशुल्क बिस्तर और रात्रि भोजन का प्रबंधन किया था। इस नेक काम के लिए शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और संस्था को तन मन धन के साथ सहयोग किया। इस पुनीत कार्य से गरीब असहाय तामीरदार जो दूर दूर से अच्छे इलाज के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें बेहद फायदा भी हो रहा है। हमने एक प्रेरणा ली कि क्यों नहीं हम हॉस्पिटल के अंदर जो परेशान सेवादार है, तीमारदार है और पीड़ा वेदना दर्द में जो मरीज लेटे हुए हैं उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, भटक रहे हैं मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के लिए, बिस्तरों के लिए और ठहरने की व्यवस्था के लिए दूर दराज से आए हुए, क्यों नहीं उनके साथ खड़े होकर हम थोड़ी उनकी सहायता करें। और जे हम पिछले 225 दिन से हम इस काम को कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है एक अकेला थक जाएगा, साथी साथ निभाना के ऊपर निर्भर करता है और कई लोगों ने ये भी सोचा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर आकर जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का अपना या मैरिज एनिवर्सरी या किसी पुण्यतिथि को मनाते हैं वहाँ पर प्रसाद देकर।